Hi guys, welcome. This is your Sammir Kohli sir with the lecture number 3. Lecture number 3 of the topic called areas related to parallelograms. Lecture number 1 or 2 mein maine aapko ye statements karayi thi. Isko bhi highlighter laga dete hain, bechari keh rahi hogi meri izzat nahi kar rahe. Figures with equal areas may or may not be congruent. Second bol rahi hai, congruent figures have equal areas. Third bol rahi hai ki diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. Aur jo fourth statement humne kari thi last lecture mein वो ये थी, parallelograms with the same base and between same parallel lines are equal in area. Lecture number 1 और 2 ढंग से देखो, समझो, लिखो, फिर lecture number 3 पे आना. Lecture number 3 में जो आज हम करेंगे triangles. क्या करेंगे? Triangles with same base. अब मैंने बोला and between same parallels. दो तरीके से इसका प्रूफ हो सकता है. आज मैं एक इजी वाले तरीके से करा रहा हूं. पहले आराम से समझो. पैरेललोग्राम्स वो था, इसमें ट्राइंगल है. एक ये रहा ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी. एक ये रहा ट्राइंगल डीसीबी. ट्राइंगल्स दोनों का ट्राइंगल का बेस जो सेम है वो ये है. ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज. आज मैं इजी वाला प्रूफ करा रहा हूं. स्कूल में एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले बस गिवन टू प्रूफ पे ध्यान देना. गिवन लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी या डी बी सी have same base BC and lie between same parallels. Lie between same parallels, L is parallel to M. To prove क्या करना है? To prove करना है कि area of ABC is equals to area of DCB. मतलब एरिया ऑफ ए बी सी ये वाला, एरिया ऑफ ए बी सी ये वाला इज इक्वल्स टू करना है एरिया ऑफ डी सी बी इस वाले के, इसके बराबर करना है. देखते हैं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे. बट जब भी ट्राइंगल की बात आती है और एरिया की बात आती है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर ध्यान से देखो तो हमने यहां पर करी कंस्ट्रक्शन थ्रू एल ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू एल एज वेल एज एम स्मॉल एम. यहां से एक लाइन ड्रॉ करी एम एन जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है बच्चे, ये ध्यान दे लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. अब अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं ए बी सी का एरिया देखूं, हाफ बेस, हाफ इंटू बेस इज बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट क्या है मेरे चिंटू? हाइट है इंटू एम एन. इसे मान लेंगे इक्वेशन वन. Similarly, area of DBC क्या होगा? Area of DBC करने जाऊंगा तो मिलेगा हाफ इंटू वही बेस, सेम बेस है. क्या बेस है बेटा? हाफ इंटू बेस इज बी सी इंटू हाइट इज एम एन. तो कहने वाली बात क्या हो गई? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी हाफ बी सी इंटू एम एन आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी भी हाफ बी सी इंटू एम एन आ रहा है. सो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू सर एरिया ऑफ ए बी सी सर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी बी सी. एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी बी सी मीन्स ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर equal in area.
वो करा दिया। अगले लेक्चर की थोड़ी सी बिल्डअप कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन ट्रायंगल में मीडियन होती है, मीडियन वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है और नीचे वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करती है। ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है और नीचे वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करती है, नीचे वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करती है। नाम देने की बारी आए तो अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और ये मीडियन एएम है तो बीएम, ये जो बीएम है ये बराबर हो जाएगा सीएम के, बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बीसी के। अगर ये ट्रायंगल पीक्यूआर है और ये टी है तो क्यू टी बराबर हो जाएगा आर टी, बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर के। अगर ये ट्रायंगल टी ई एफ है और ये डी जी मीडियन है तो ई जी बराबर हो जाएगा एफ जी के, बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ई एफ। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्स द वर्टेक्स या बाइसेक्स द साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। अगले लेक्चर में जो हम करेंगे वो इससे रिलेटेड करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।